मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑफिशियल उर्वशी श्रीवास्तव। एंड आज मैं आई हूँ आगरा अपना कैलेंडर लॉन्च के लिए। तो आज मेरा एक शूट है, तो चलो चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे। अभी मेकअप तो मैं खुद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये रिस्क नहीं लेंगी मैं। मेकअप मैंने किया नहीं कि मतलब अभी मुझे लगता है कि मैं विदाउट मेकअप अच्छी लगती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं विदाउट मेकअप अच्छी लगती हूँ या मेकअप के साथ, क्योंकि ठीक है मुझे रहता है कि हाँ इट्स गुड इट्स फाइन, मतलब विदाउट मेकअप आपको कोई देखता है तो। अभी मैंने लेंस नहीं लगाए बट ऐसा लग रहा है कि आँखों का बोली मच जाता है। तो चलो फिलहाल तो चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आए कुछ खाएं पेट में तब तो नहाने जाएं। तो चलो चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। हाँ, और बाकी सारी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी या मैं मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ से फॉलो कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मैंने नहा लिया है, बस मेकअप नहीं किया है क्योंकि मेकअप क्या मतलब, एक्चुअली मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, बाकी तो सारा मेकअप आर्टिस्ट ही करेंगे। तो भी उन्होंने बोला है कि शायद उनको थोड़ा सा, वो कह रही हैं कि मतलब अगर मैं सैलून पर जाती हूँ, पार्लर पर उनके नियर बाई है हमारी लोकेशन से, तो कुछ अगर कम पड़ता है तो वो वहाँ पे अरेंज कर सकती हैं, और यहाँ से उनको वापस जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, हम ही आ जाते हैं, हमें अच्छा दिखना है। तो चलो चलते हैं, अभी फिलहाल मैं एक चाय और पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:45, तो 10:45 के बाद चलते हैं। तो भैया मेरा नाश्ता आ चुका है, मैं तो नाश्ता खाने के बाद जाऊंगी मेकअप आर्टिस्ट के पास, तब तक खा पी के मोटी हो जाती हूँ। मैंने बनाया आलू का पराठा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। थोड़ा सा मिर्ची डालना, बिरना मसाले के एग्जैक्टली वैसे बनाया। थैंक यू भैया, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड। सरप्राइज क्या है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठंड बढ़ रही है। A few moments later. तो मैं आखिरकार में बैठ गई हूँ, मुझे रॉबिन सर ड्रॉप करने जा रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। थैंक यू सो मच, मतलब काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने पूरा किया। बाय, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, बाय। जाऊ नहीं जाऊ नहीं जाऊ, तो आ जाओ खेलते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो फटाफट से हम मेकअप के लिए जैसे ही बैठे, मैंने लेंस लगाए हुए थे वो भी ब्लैक कलर के, मुझे क्यों नहीं पता नहीं क्यों आइडिया है कि मैं ब्लैक कलर के लेंसेज लगाऊं, और लेंसेज लगाने के बाद मेरी आंखों में पेन होना लगता है हल्का फुल्का। तो बस उस वजह से मैम ने कहा कि आप आइज़ क्लोज ही रखो, और आइज़ क्लोज के मतलब मुझे पता नहीं था कि ब्लॉग शूट हो भी रहा या नहीं, बट इतना अच्छा शूट हुआ मुझे भी नहीं पता। मेकअप की बात करूँ तो मेकअप बहुत अच्छा, इसका आपको फुल ट्यूटोरियल मेरे ब्लॉग चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर मेकअप पर रेडी होने के बाद मुझे लगा कि मैं मोटी हो रही, बट ऐसा कुछ नहीं था, ड्रेस बहुत लूज़ हो गई थी, और मैंने ये सोचा कि मैं ये नेकलेस को डालूं या ना डालूं, स्टोन का था बट ड्रेस मुझे नहीं लगता, मैं बहुत कम वेयर करती हूँ एयर। तो मैम तो भाई नेल पेंट लगा रही है, और किचन में हमारी चाय बन रही है कि या उबल रही है कुछ पता नहीं है। हम अपने ही बस हमारा रेडी हो गया हम इवेंट के लिए, ठंड बहुत है तो मैंने अपना जैकेट पहन लिया है क्योंकि पता चले यहाँ से सीधा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ड्यूटी करने, नहीं एडमिट होने। तो मैम तो ऑलरेडी तैयार है, हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से, है ना मैम? तो क्या प्लान है आज का हमारा पार्टी में, इंजॉय करेंगे बहुत। और मैम के पार्लर की डिटेल आपको मिनी ब्लॉग पे मिलेगी, और इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन मिलेंगी, प्लीज चेक आउट। थैंक यू, बाकी तो फिर मैम से मिलते ही रहेंगे। फाइनली मुझे और मैम को सर लेने आ गए रॉबिन सर, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। थैंक यू रॉबिन सर, मतलब आपके लिए नो वर्ड 100% देते हैं आप अपना, जब आपको ये पता होता कि आपको किसी गर्ल को कहीं से पिकअप करना है उस बारे में आपकी कोई चूक नहीं होती। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। वेन्यू पे जाके सर हमें वहाँ छोड़ देंगे, और हम वेन्यू पे जाके थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, बाकी सर से भी आपको बाद में मिलाती हूँ। स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, हम अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं।
सो की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे फर्स्ट हम गणेश आरती से स्टार्ट ही करते हैं। तो बस गणेश आरती के लिए हमारे गेस्ट ऑफ द ओनर थारी बिजली यानी समा त्रिवेदी जी आई हुई थी यहाँ पर। यही सरप्राइज था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि यहाँ पे थारी बिजली नितिल मिर्जा की वीडियो में बहुत सारी वीडियोस में काम किया। इनका अपना चैनल है थारी बिजली के नाम से, प्लीज़ चेकआउट। और ये गेस्ट ऑफ द ऑनर थी आज के शो की। कुछ देर बाद शो स्टार्ट हो चुका है। शो के स्टार्ट होने का परफॉर्मेंस देने जाऊंगी मैं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे हम लोगों को बाद में हमारे जो टाइटल सब टाइटल्स थे वो दिए गए, एंड देन सर्टिफिकेट दिए गए मैम के। और मैम की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों को बाकी सारी डिटेल्स आप मेरे इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। और फाइनली हम बिजली मैम से मिल लिए और यहाँ पर हमने उनके साथ फोटो से वीडियो कराई और चलते हैं। फाइनली इवेंट का पैकअप हो चुका है। इवेंट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी और ब्लॉग भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा सो के उसके बाद मेकअप निकालूंगी। तो मिलते हैं।